अपनी कॉल्स भी बता दीजिए, ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी, खरीदारी की कॉल्स दे रहे हैं आज? सो स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स में एक अच्छे ब्रेकआउट्स हम देखने को मिल रहे हैं। सो स्टॉक स्पेसिफिक हमारे दोनों रिकमेंडेशन बाय की तरफ ही रहेंगे। पहला जो रिकमेंडेशन है कॉल ऑफ द डे वो सीजी पावर रहेगा। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है। कल हमने देखा कि वो ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक सस्टेन किया विद द हायर वॉल्यूम्स। मोमेंटम इंडिकेटर भी आप देखोगे तो एक बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो 274-272 के आसपास की क्लोजिंग थी। कोई भी डिप आता है हम लॉन्ग करके जाएंगे। 285 एज अ टारगेट हम मेंटेन करेंगे और 264 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो कॉल है वो भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल में भी आप देखोगे सिमिलर पैटर्न है। स्टॉक काफी दिन से कंसोलिडेट हो रहा था 840 से नीचे में 820। अब वहां से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला कल। हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी आप असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देख रहे हो विद द हायर वॉल्यूम्स। सो 840-835 के कोई भी डिप पे हम बाय करके चलेंगे। 870 हमारा टारगेट है, एक से दो दिन में आ सकता है। एंड 824 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। कॉल्स खरीदारी की किरण की तरफ से सुमित, गुड मॉर्निंग। अंडरटोन बुलिश, 18,500 की कॉल्स एक्टिव होती दिख रही है निफ्टी पर, मतलब सीधा यही है कि इसका रेंज जो है 18,200 से आगे खिसक गया है। आप मार्केट को किस तरह देख रहे हैं और आपकी तरफ से आज क्या सेल कॉल्स हैं, किस तरह से अप्रोच करेंगे मार्केट को, बिकवाली देख रहे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बिल्कुल जैसे कि लास्ट टाइम ही हमने बोला था कि मूड एज ऑफ नाउ नेगेटिव है। क्यों? काफी सारे स्टॉक्स जो है वो बिल्कुल थक चुके हैं, टायर्डनेस दिख रही है। उनका चार्ट जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी नेगेटिव है। आप कल का अगर हीट मैप देखेंगे तो निफ्टी 50 के स्टॉक से तीन ऐसे स्टॉक से जो 1% अबोव क्लोज हुए हैं, जबकि 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिलो 1% क्लोज हुए। तो कहीं ना कहीं एक इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो मेरा पोर्टफोलियो है या फिर आप एक रिटेल पोर्टफोलियो बोलिए, उसमें कहीं पे भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। तो पॉजिटिवनेस जब तक पोर्टफोलियो में नहीं आएगी तब तक मूड तो नेगेटिव ही रहेगा। तो उसके बेस पे मैं एज ऑफ नाउ इंडेक्स पे अगर मैं फ्यूचर लेवल की बात करूं तो निफ्टी में 18,350 ये एक लेवल है। अगर यहाँ पे अवर्ली कैंडल बिलो क्लोज आ रही है तो और प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकता है। तो मेरे लिए 18,350 के नीचे का एक सेल कॉल रहेगा। अगर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो 18,150 और 18,000 ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं, लेकिन 18,000 ऑल ओवर ये कभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बट विद अ कॉशियस विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। जहां पे हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कल में आपका प्राइवेट बैंक्स हो गया, कोटक बैंक हो गया, काफी अच्छा एक परफॉर्म बना, काफी अच्छा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, उसके बेस पे हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ है दो दिन में। तो कंपेयरिंग निफ्टी टू बैंक निफ्टी, निफ्टी इज लिटिल बिट वीक, और इसी मूड को रखते हुए हमने सेल कॉल किया, दो स्टॉक्स निकाले। ठीक है, पिक्स आपके क्या रहेंगे सुमित? फिर ये तो आपका इंडेक्स पर एक व्यू रहा। These are both the swing trades only, so you can count for the short term only, might be 2-3 days. So मेरा जो पहला पिक रहेगा वो रहेगा बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस ने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दिया है, बट इट इज अ कंडीशनल। सो 6850 इज द लेवल। अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है इसके नीचे तो ही मैं सेल कॉल इनिशिएट करूंगा। डाउन साइड के मेरा टारगेट रहेगा 6610 एंड 6414, स्टॉप लॉस विल बी 7000। दूसरा जो सेल कॉल है दैट इज जी। जी में आप देखेंगे तो फॉलिंग वेज वैसे अगर डाउन ट्रेंड में मिलता है तो वो लॉन्ग वालों के अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे अप ट्रेंड में मिला हुआ है, ब्रेकडाउन है, काफी अच्छा कैंडल का ब्रेकडाउन मिला है। तो यहाँ पे मैं सेल कॉल इनिशिएट करूंगा। कल का लो जैसे ही ब्रेक होगा 262 विल बी माय स्टॉप लॉस एंड टारगेट विल बी 245 एंड 237। ठीक है, तो चलिए ये पिक्स। और इस वक्त अगर सुमित मूलचंदानी की कॉल्स की बात करें, बिकवाली की रणनीति उनकी तरफ से आती हुई दिख रही है।